मेरी रिलीज होने का टाइम आ गया, यानी अब तो मैंने ओवरी से बाहर जाना है, लेकिन मैं तो अपनी पिछली स्टेज से बाहर नहीं निकला। तो ये जो एलएच हार्मोन में सर्ज आया ना, इस एलएच का क्या काम होता है, ये सबसे पहले इस प्राइमरी ओसाइट को के ऊपर एक्ट करेगा और इसकी जो मियोसिस वन अरेस्टेड थी उसको कंप्लीट करेगा और इमिडिएटली क्या स्टार्ट करा देगा, मियोसिस टू। इमिडिएटली यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस टू। तो इस स्टेज में जो मेन इवेंट है वो ये है, एलएच में सर्ज। एलएच क्या करेगा, प्राइमरी उस साइट की मियोसिस वन को कंप्लीट कराएगा और क्या स्टार्ट करा देगा, मियोसिस टू। अब बच्चों ये प्राइमरी उस साइट नहीं रहा क्योंकि इसकी मियोसिस वन कंप्लीट है। मियोसिस टू जब स्टार्ट होती है, सिंपल माइटोसिस, सिंपल मियोसिस को अगर आप रिकॉल करें, तो जब हमारे पास मियोसिस वन कंप्लीट होती है तो जो प्राइमरी उस साइट है या प्राइमरी स्पर्मेटिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी उस साइट में। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी उस साइट, और साथ एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमारे पास क्या होंगे, ये सारे के सारे जो भी हैं ग्रैनुलोजा सेल्स थे या जो भी चीजें थी, ठीक है। ये अब क्या बन चुका है आपके पास, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, और ये सारी की सारी क्या थी, सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट खत्म हो चुकी थी। अब इसने क्या होना है आपके पास, ओव्यूलेट होना है। तो यहाँ पर एलएच दो काम कराता है, एक तो मियोसिस वन जल्दी से कंप्लीट कराता है और क्या स्टार्ट कराता है, मियोसिस टू, और दूसरा एलएच का काम होता है ओव्यूलेशन कराना। तो यहाँ पर ना ओवरी में अब इसका सफर खत्म हो गया, प्राइमरी फॉलिकल आपके पास कन्वर्ट हुई किस में, वेजिक्यूलर में, मेच्योर वेजिक्यूलर फेस में। एंड देन हमारे पास क्या बन चुका है, मियोसिस वन कंप्लीट होकर सेकेंडरी ओसाइट और सेकेंडरी फॉलिकल बन गई है। वो जो सेकेंडरी फॉलिकल सारी कवरिंग है ना बेचारी, वो यहीं रह जाएगी, उसका सफर यहीं तक था, ठीक है। ये बाय जो है वो थीका इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स हैं, और जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है उसे जो है वो क्या कर दिया जाएगा, यूट्राइन ट्यूब में रिलीज कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारे तीन हार्मोन्स ने काम किया है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, जिसने क्या कराया, इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट कराई, डेवलपमेंट स्टार्ट कराई, इनको रेस्क्यू किया 15 टू 20 को एक पूल में से, उनकी ग्रोथ स्टार्ट करा दी, और दूसरा उसने इन सेल्स की प्रोलीफ्रेशन स्टार्ट करा दी, ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल्स तक इसको पहुंचाया। प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये हुआ कि इन सेल्स ने क्या रिलीज किया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने फीड फॉरवर्ड रिस्पॉन्स को अपनाया और जाके यूट्रस के ऊपर एक्ट किया, और यूट्रस को क्या किया, फॉलिक्यूलर स्टेज में एंटर किया। उसके अलावा सर्विक्स के ऊपर एक्ट किया, और सर्विक्स को किस में क्या कर दिया, सर्विक्स के म्यूकस को थिन कर दिया ताकि मेल गैमेट इंटर हो सके। तीसरा काम एस्ट्रोजन ये करता है कि एलएच के सर्ज को इंक्रीज करता है। जब एलएच का सर्ज इंक्रीज होता है तो मियोसिस वन कंप्लीट होती है, मियोसिस टू स्टार्ट होती है, और ओव्यूलेशन होती है। अब आपको पता है ओव्यूलेशन के बाद यहां पर क्या काम है, उस साइड की ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस साइड जो है सेकेंडरी उस साइड, और कुछ यहां से जो है वो ग्रैनुलोजा सेल्स जो कि ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हम उन्हें क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं, और वो हमारे पास किस में अब कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पर कुछ सेल्स जो है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना इसके साथ आ जाएंगे, बाकी सारी की सारी कवरिंग पीछे रह जाएगी। इन सेल्स को जब ये इसके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होंगे तो इन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये सेकेंडरी ओसाइट है और सेल्स ऊपर इसके क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब मेन काम है इस ओसाइट की ट्रांसपोर्ट टूवर्ड यूट्राइन ट्यूब, ताकि वहां पर अगर मेल गैमेट आया हुआ है तो वहां पर क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। तो ये था हमारा प्राइमरी फॉलिकल से लेकर प्राइमोडियल जर्म सेल से लेकर सेकेंडरी ओसाइट तक का सफर, ठीक है बच्चों। तो ये आपने यहाँ से अगर देखना है लेगमेंट से भी, तो इसमें भी इसने हमें यही बताया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ होता है इन हार्मोन्स के अंडर होता है जो मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा आपकी प्राइमोडियल फॉलिकल है, ग्रोइंग फॉलिकल में जाएगी, वेजिकुलर फॉलिकल में, मेच्योर वेजिकल बनेगी, एंड देन ओव्यूलेशन हो जानी है। ये मैस पीछे रह जाएगा जो सारी मेच्योरेशन वाला मैस था, आपके पास जो है वो ग्रैनुलोजा सेल्स थे, थीका इंटरना एक्सटर्ना जो भी सेल्स थे वो सारे के सारे पीछे रह जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, और हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाएगी, ठीक है, ओव्यूलेशन होगी। यहाँ पे फिम्ब्राए होते हैं, उसके अलावा सीलियाज होते हैं, और ट्यूब की कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट होती है जो उस साइड को जो है वो पुश करेगी टुवर्ड द यूट्राइन ट्यूब या एम्फ्यूलरी रीजन, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये इसने बताया भाई, ये आपका सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, और सेकेंडरी ओसाइट भी अरेस्टेड है एट मेटाफेस टू, ठीक है। एट हमारे पास मेटाफेस में जो है वो प्राइमरी पीस है, आपने याद रखना है, प्राइमरी अरेस्ट होता है प्रोफेस पे, और जो सेकेंडरी है वो अरेस्ट होता है मेटाफेस पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ओव्यूलेशन होगी, जो मैस पीछे रह गया इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अगर हम ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसकी आगे से दो जो हैं वो फेट्स होती हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक मैं आपके साथ यही, मैं जो कॉर्पस ल्यूटियम की फेट्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले आपका जो मेन काम है वो ये है कि आप इस पेज को समझ लें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही समझाया है, लेकिन इसी में ना आपकी पूरा चैप्टर कवर होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। अभी आगे ओव्यूलेशन है, क्योंकि आपको पता है हमारा फॉलिकल तैयार हो चुका है, एलएच में सर्ज भी आ गया, मियोसिस वन भी कंप्लीट होगी, मियोसिस टू भी स्टार्ट होगी। तो इस पैरे में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ओव्यूलेशन होगी, एक स्टिग्मा अपीयर होगा, एंड देन फॉलिकल का जो है वो रैप्चर हो जाएगा, एंड फॉलिकल
सेल हमारी बाहर आ जाएगी और जो रिमेनिंग मास है मैंने आपको बताया वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और उस साइड की जो ट्रांसपोर्ट होनी है वो किसके थ्रू होनी है, फिम्ब्राई या कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट ऑफ ट्यूब की वजह से। फिर एक बात आती है कि कॉर्पस एल्बिगेन क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ ताकि हमें जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हमारे पास जब उस साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, तो जो पीछे मैस रह जाता है ये इस तरह से जो भी मैस पीछे रह जाता है, और ये जो उस साइड है सेकेंडरी उस साइड, ये हमारे पास कहाँ चला गया, यूट्राइन ट्यूब में, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में ये चला गया है। और अब इधर इसने फर्टिलाइज होना है या नहीं वो तो इसकी लक है, ठीक है। ये जो मैस है ना पीछे, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि एक येलो शेप अपीयरेंस ले लेता है ल्यूटिन हार्मोन के अंदर, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना बच्चों, आपने याद रखना, ये भी वाइवा में या बल्कि एसईक्यूज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, इसकी दो फेस है, या तो ये हमारे पास बनेगा कॉर्पस एल्बिकेन, या ये क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेन, या ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन बनेगा, या ये बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो इसकी जो दोनों फेट्स है ना वो डिपेंड करती हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, और इसका ये काम होगा कि ये पीछे से क्या सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन, क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। और इसी प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो यूट्रस होगा ना वो अपनी सेकेंड फेज, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेशनल फेज या सिक्रीटरी फेज, उसमें एंटर हो जाता है। इस प्रोजेस्टेरोन का ये काम होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लो रखा जाए, क्योंकि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई होगा तो हमारे पास दोबारा क्या होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी, ग्रो होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो गई है, हमें उसी एम्ब्रियो को क्या करना है, जायगॉट को इम्प्लांट कराना है और उसी की मैच्योरेशन और डेवलपमेंट करानी है, हमें फर्दर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की मैच्योरेशन की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये जो मैस पीछे रह जाता है ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या होता है, यहाँ पर सिग्नल देना कि प्रोजेस्टेशनल फेज स्टार्ट करो, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लो रखना ताकि यहाँ पर फर्दर मैच्योरेशन और पीछे से मजीद जो है वो प्राइमरी ओसाइट्स ना आए। तो अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, और क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन अंटिल फोर्थ मंथ, ठीक है। फोर्थ मंथ के बाद ये होता है कि जो प्लेसेंटा की एक लेयर बनती है ना वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है और ज़रूरत पूरी होती रहती है और ये डीजेनरेट होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेन बनता है, यानी ये जो मास होता है ये सारे का सारा डीजेनरेट हो जाता है और हमारे पास जो है वो खत्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेन, ठीक है बच्चों। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम की क्या है, दो फेट्स हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बनेगा, वो क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, जिसका क्या काम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लो रखना और यूट्रस को हेल्प करना इन द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, और उसका ये रोल रहेगा टिल फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और अगर नहीं होती फर्टिलाइजेशन, सिंपली ये डीजेनरेट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेन। एक और बात जो एसईक्यूज में आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, या सॉरी एमसीक्यूज में पूछी जाती है, उसके अलावा वाइवा में भी पूछी जाती है, वो ये है कि इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर ना हमारे पास सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियो में दो लेयर्स बनती हैं, ठीक है। मैं आपको बात बताऊंगी, अभी वैसे जनरल एक व्यू दे रही हूँ, ठीक है। दो लेयर्स बनती हैं इनसाइड और दो लेयर्स ही बनती हैं हमारे पास आउटसाइड। आउटसाइड एक लेयर बनती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसको हम बोलते हैं सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ना हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं, इस हार्मोन को हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये हार्मोन जब रिलीज होता है ना तो इसी को जो है वो जब हमारे पास यूरिन टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी वगैरह के लिए, जो भी टेस्ट किया जाता है उसमें हम असल में इसी हार्मोन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। अगर ये हार्मोन हो तो ये बॉडी के तमाम फ्लूड्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सलाइवा। तो जब इसको यूरिन में चेक कर लिया जाता है तो ये सिक्रीट किससे हो रहा है, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, प्रेगनेंसी है और हमारे पास एम्ब्रियो जो सॉरी जायगॉट है वो बन चुका है, उसकी लेयर्स बन चुकी हैं, उसके आउटर लेयर ने क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया है, HCG। यही HCG जाता है पीछे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी के पास, और उसको क्या बताता है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब तुमने मेंटेन रहना है, तुमने डीजेनरेट नहीं होना, और तुमने क्या सिक्रीट करना है, प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूसली सिक्रीट करना है। तो इसी हार्मोन से ही पूछा जाता है आपसे कौन सा हार्मोन है, HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, जो आपको किस चीज़ के सॉरी ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन या ह्यूमन क्रोनिक हार्मोन भी से कह सकते हैं, जो आपको क्या बताता है, प्रेगनेंसी के बारे में बताता है कि इधर फर्टिलाइजेशन हुई या नहीं, प्रेगनेंसी है या नहीं। और इसका मेन काम ये होता है कि ये जाके कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी को सिग्नल देता है या कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल देता है कि आपके पास क्या है, सक्सेसफुली जो है वो जायगॉट बन चुका है, उसकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर दी गई है, अब तो मेहरबानी करो प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करो और दूसरी तरफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स को भी लो रखो कि ये ना हो कि जैसे मजीद प्राइमरी या सेकेंडरी ओसाइट्स आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या था,
फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट का, उसके अलावा ओव्यूलेशन और जो ट्रांसपोर्ट है या हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी आपके पास क्या था, एक ओवरव्यू था। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आती तो आप मुझसे इसके बारे में जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कीप सपोर्टिंग, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।